आई नो आई एम अ फकिंग बिच। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो वेब सीरीज का इंतजार बेसब्री से कर रहे होते हैं और जिनको वेब सीरीज काफी ज्यादा पसंद है। और दोस्तों अगर आपको जानना है कि ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जून 2020 में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हैरी जादव और आज मैं आपको बताऊंगा कि जून में ऐसी कौन कौन सी खास वेब सीरीज रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों हम लोगों को जून के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगी चॉक्ड वेब सीरीज, और इस वेब सीरीज की नेक्स्ट लाइन है पैसा बोलता है। पैसा बोलता है कैसे? अब ये लाइन इसके साथ क्यों जोड़ी गई है, अब तो ये वेब सीरीज रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। इसमें एक मिडिल क्लास वुमन होती है जो अपनी इनकम से अपना पूरा घर चला रही होती है, और उसकी इनकम इतनी कम होती है कि उसमें उसका सिर्फ घर ही चलता है, वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाती है। लेकिन अचानक से उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि उसके किचन की जो पाइप होती है वो कई दिनों से जाम होती है, पर उस पाइप में से अचानक से पैसे बरसने लगते हैं, और जब वो पैसे उसे मिलते हैं तो उस पैसे से अपने सारे सपने पूरा करना चाहती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सरकार ने नोटबंदी कर दी है। तो दोस्तों अभी आप लोगों के लिए जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि अब ये इन पैसों का क्या करेगी, और आप लोगों को ये जानना है तो आपको ये वेब सीरीज 5 जून को नेटफ्लिक्स पर देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों सेकंड वेब सीरीज की बात करें तो सेकंड वेब सीरीज आ रही है कहने को हम सफर है का सीजन 3, और दोस्तों इसके जो पहले सीजन थे वो काफी हिट गए थे, इसीलिए अब तीसरा सीजन भी आप लोगों का दिल जीतने आ रहा है। इस वेब सीरीज की कहानी रोमांस और इमोशनली एक्टिविटी पर बेस्ड है, और अगर ये आप वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो आप इसको 6 जून को आल्ट बालाजी पर देख सकते हैं। अब थर्ड वेब मूवी जो आ रही है उसका नाम है चिंटू का बर्थडे, और एक फैमिली ड्रामा मूवी है जो G5 पर रिलीज होगी। और इस वेब मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह होगी, एक 6 साल का बच्चा होता है जिसका नाम चिंटू होता है, और उसका बर्थडे आ रहा होता है, और इस चिंटू के बर्थडे के दिन ही पूरे देश में वॉर जैसी सिचुएशन होती है। अब ये क्यों होता है और इसके बीच चिंटू अपना बर्थडे मना पाएगा या नहीं, ये आपको देखने के लिए इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा, और ये वेब सीरीज रिलीज हो रही है 5 जून को। अब बात करते हैं फोर्थ वेब सीरीज के बारे में, तो फोर्थ वेब सीरीज का नाम है द कसिनो, और ये G5 पर रिलीज होने वाली है। और इस वेब सीरीज की स्टोरी लाइन की बात करें तो एक औरत होती है जिसका एक बिजनेस एम्पायर होता है कसिनो का, और दोस्तों कसिनो के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, जहां अमीर लोग जुआ बुआ खेलने जाते हैं। पर दोस्तों यहां पे वेब सीरीज में कुछ ऐसा होता है, अचानक से इस औरत की डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो उसके बेटे के नाम हो जाती है। लेकिन दोस्तों उसके बेटे के लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसका वो सामना इतने सारे पैसे होने के बाद भी नहीं कर सकता है। अब ये इस चाल में कैसे फंसा और इस चाल से कैसे निकलेगा, ये सब आपको देखना है, तो वेब सीरीज आपको देखनी पड़ेगी, और ये वेब सीरीज रिलीज हो रही है 12 जून को। अब बात करते हैं 5th वेब सीरीज के बारे में, तो 5th वेब सीरीज का नाम है लाल बाजार, और जिसको बहुत सारी मुश्किलों के बाद एक रिलीज डेट मिल गई है, जिसकी कहानी क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस पर बेस्ड स्टोरी है, और इसमें आपको काफ़ी सारा एक्शन भी देखने को मिलेगा, और वेब सीरीज रिलीज हो रही है 9 जून को G5 पर। अब दोस्तों हम बात करेंगे लास्ट वेब मूवी के बारे में, जिसमें अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना लीड रोल में है, और इस वेब मूवी का नाम है गुलाबो सीताबो। दोस्तों इस मूवी को पहले थिएटर में रिलीज करना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना की वजह से इसको नहीं कर पाए, इसीलिए अब ये मूवी रिलीज हो रही है अमेजोन प्राइम पर। और दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो ये स्टोरी लाइन कॉमेडी से भरी पड़ी है, और ये आपको बहुत ज़्यादा हंसाने वाली है, तो ये आपको देखनी है तो आपको 12 जून को अमेजोन प्राइम पर देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जल्दी से मुझे 100K तक पहुंचा दीजिए, ताकि मैं आपको एक मूवी और वेब सीरीज डाउनलोड करने का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे सकूँ, और आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।